ये देखिए पूजा मैया कर रहे हैं, माला इसने खुद चढ़ाया मम्मी। ये देखिए क्या कर रहे हैं श्रेष्ठ, हम लोगों ने करवा चौथ की कल पूजा की थी, भाई साहब ने खुद माले चढ़ा दिए ये करवा में। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग गाइस। अब कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? अरे वाह, सबसे अच्छा ब्लॉग है, सब लोग कहते हैं बहुत क्यूट है ब्लॉग है, तो वो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल का फेस्टिवल सारी महिलाओं का अच्छा रहा होगा, क्योंकि ऊपर वाले की दया थी, बारिश वारिश हो रही है। अच्छा तुम्हें खास बात बता दूं? हाँ बता दूं। माला पहना रहा था, तो आपको भी वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने पूजा मैया की है, इन्होंने खास करवा चौथ की पूजा की है आज। मम्मी किस लिए की थी? अच्छी मम्मी को हंसी आ रही है, अच्छी अर्धांगिनी मिल रही है। हाँ बाबू ने की थी, हमें पति परमेश्वर मिले, इन्हें पत्नी परमेश्वर मिले, इसलिए परमेश्वरी इसके पापा भी हंस रहे। आप ब्लॉग में भी देखिएगा, इसके बाद मैं वीडियो दिखा दूंगी आपको। भाई साहब मतलब पूरा इसने खुद से चढ़ाए थे वो माले वाले, मतलब हम लोगों ने माले वाले सब हटा दिए थे मम्मी ने, तो इसने प्रॉपर इसको पहनाया है और सब कुछ सही से किया हुआ है। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो आज के ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे यहाँ सभी लोग हैं, देख सकते हैं आप, श्रेष्ठ के पापा और श्रेष्ठ की मम्मी। अब हमारी गली में कहीं भी जियो फाइबर लगता है ना, मैंने लगवाया, तो ये जैसे ही वो लोग आते हैं अपना बॉक्स वॉक्स लेके, तुरंत छत से चिल्ला रहा था जियो फाइबर वाले आ गए, जियो फाइबर वाले। तो बताइए कि अब कोई जियो फाइबर नहीं लगवाएगा क्या? सिर्फ यही लगवा सकते हैं और कोई लगवा नहीं सकता। तो अभी मुझे कोल्ड एंड कफ है जो कि मुझे बोलने दीजिए, इसको अलग चैनल बना दूं क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता रहे। अच्छा ठीक, पापा जी को शांत करिए, आप पापा जी शांत कराएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। प्लीज कीप साइलेंट, फिंगर रखिए, फिंगर रखिए। तो अभी निखिल जी का क्या है कि निखिल जी ऑफिस से आए हुए थे, जैसा कि आप सबको पता है ब्लॉग में दिखते नहीं होंगे, तो निखिल जी ऑफिस के काम से बिजी रहते हैं, ऑफिस में ही मतलब ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं वो, मतलब हाँ यहाँ पे नहीं रहते, किसी स्टेट में ही रहते हैं, हमारे यहाँ से पास में ही रहते हैं कह सकते हैं आप, अराउंड 100 किलोमीटर। तो आ जाते हैं, वीकली आ जाते हैं, बट ब्लॉग बनाने का इतना टाइम नहीं रहता, तो इसलिए ओकेजनली जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ होता है तभी हम बनाते हैं। राइट, बोलिए कुछ ब्लॉग में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे वाह, तो चलिए अब निखिल जी को फटाफट में ड्रॉप करने जा रही हूँ। और क्या बोला आपने? पापा जी है आपके? ओके, पापा जी को मैं ड्रॉप करना, मुझे ही बोलना पड़ेगा भाई, असर पड़ रहा है बच्चे में, वो भी नाम ले रहा है। तो चलिए मैं श्रेष्ठ के पापा जी को ड्रॉप करके आती हूँ, ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पूजा मैया कर रहे हैं, माला इसने खुद चढ़ाया मम्मी। ये देखिए क्या कर रहे हैं श्रेष्ठ, हम लोगों ने करवा चौथ की कल पूजा की थी, भाई साहब ने खुद माले चढ़ा दिए ये करवा में, अभी जल निकाल निकाल के बाहर डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हो बताए? अंदर आवाज नहीं आ रही, इतनी शांति है। देखिए खड़े हो, पहले खड़े हो, दिखाओ सबको। देखिए पूरा पैंट भींग गया इसका, हालत देखिए इसकी। मैं कर दूंगा। नहीं कर नहीं दूंगा, चलिए बाहर अंदर। आपका कपड़ा भिंगो दूंगा। क्यों भिंगो दोगे मेरे कपड़े आप? चलो बस हो गई करवा चौथ की पूजा, चलिए उठिए, हो गया आपका हैप्पी करवा चौथ। अभी क्या करा रहे हैं श्रेष्ठ के पापा? श्रेष्ठ को ब्रश करा रहे हैं। ये भाई साहब सबके सामने बोल रही हूँ ब्रश नहीं करते, इनको डर लगता है, इन्हें लगता है कि नहीं भाई ब्रश नहीं करना है। अभी इनके पापा जी ब्रश करा रहे हैं धीरे धीरे। ओपन करी माउथ, ओपन करी। अरे वाह, तो भैया जो भी चैनल पे देख रहा हो सब लोग ब्रश करें, सुबह शाम ब्रश करें, है ना? तो चलिए ब्रश हो जाने दीजिए, ज्यादा वीडियो बनाऊंगी तो कहेगा कि नहीं मैं नहीं बना रहा। निकलते ही कुछ दूर चलते ही याद आ गया पेट्रोल है भराना स्कूटी में, क्योंकि ईंधन के बिना गाड़ी चलना है मुश्किल। तो चलिए पहले ईंधन भरा लेते हैं अपनी हाया भूसा में, फिर निकलते हैं निखिल जी को ड्रॉप कर दीजिए। यस फीलिंग सैड, कोई नहीं, एक वीक में फिर से आ जाएंगे। हाँ तो मैं निखिल जी को ड्रॉप करने आई थी और मैं आ गई हूँ कुछ गाँव में, शॉर्ट ट्रिप पे आई हूँ, मुझे पति जो लेके आए, थैंक यू सो मच।
कॉलर ऊपर कर लिया आगे देखो, मैं घुमाता रहता हूँ बीवी को। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वाह देख रहे हैं, ना आगे है कोई ना पीछे है कोई, हम दोनों एक जंगल में, हम दो शेर, मैं शेरनी हूँ। जल्दी हो रही देर कह रहे सही बात है, देर हो रही है। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है, और सब स्कूटी पे बैठे हैं, उतर भी नहीं रहे, ऐसी नजर ले रहे हैं, कौन उतरे पता चलना, कुत्ते दौड़ा लिया तीसरे दिन के लिए। और घूमते घूमते कहाँ आ गई, लग रहा जैसे पहाड़ों के बीच में हूँ, लेकिन ये पहाड़ नहीं है, मिट्टी है, चारों तरफ गिट्टी, शायद रेलवे ट्रैक है, पता नहीं कहाँ आ गए, बस घूम रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं अब गाँव की गलियाँ। हाँ हाँ, ये देखिए क्या व्यू बन रहा है, तो मज़ा आ रहा है। कुछ भी गई, आज मैं पूरा गाँव दर्शन कराऊँगी आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, कांट एक्सप्लेन। इतनी ठंडी हवाएं आ रही हैं, वाह वो छोटा सा होल है, क्या लोग उससे पैदल आते जाते होंगे, और कोई तो निकल नहीं पाएगा। वाह सीरियसली यार, कांट एक्सप्लेन कितना अच्छा लग रहा है, वाह हो, देख सकते हैं आप लोग, पता नहीं क्या चावल उगाया, धनिया उगी है, ये देखिए बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। बस रिटर्न ले लीजिए यहाँ से, ये पता नहीं आगे जाने का क्या रास्ता है, क्या बना हुआ है ये। अब हम लोग यहाँ से यू टर्न लेके इधर चल रहे हैं वापस। हम आए थे तो सोचा गांव की चाय पी लेते हैं, गांव का समोसा, ये गांव ही है देखिए, ये यहाँ पे सामने कोल्ड स्टोरेज है, और ये देखिए पूरा इधर छप्पर के नीचे है ये शॉप, और यहीं पे गांव का समोसे का और गांव की चटनी का टेस्ट अलग ही होता है। क्यों इधर बताइए कैसा लग रहा है, हाँ तो चाय पी लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, हाँ ठीक है चलेगा। तो पानी की बोतल यहाँ किलने मिल चुकी है फाइनली, जो कि गांव में असंभव थे, लेकिन भैया जब देश बदल रहा है तो अब आए हैं तो फिर खा पी लेते हैं, मैंने समोसा खा लिया, निकल खा रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। कैसी हो, ये देखिए अभी भी ब्यूटी पार्लर से निकली हुई है, और ये पूरा एकदम इंजॉय करती हुई, इन्होंने जो भी अपने ऊपर साज सज्जा की हुई है इसका ये पूर्ण रूप से उपयोग कर रही है, इनका मेकअप बर्बाद नहीं होता, ये इसे खाएंगी, अपना पेट भरेंगी और इंजॉय करेंगी। कैसे हैं आप सब, ये देखिए इनकी मम्मी है, ये इनकी मौसी हैं, और ये हमारे बापूजी हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। आना है, क्या लाइफ है यार गांव की लाइफ। देखिए कितना मैं क्या बनू, माँ रो रही है। आपको पता है ये सब क्यों किया गया था, ये सब मैंने इसलिए किया, ये दादी को देख लीजिए, इनकी दलिया लेके बैठी हुई, दलिया नहीं खा रहा है, तो ये देखिए, तो मैं ये सब करके ऐसे रो रही, बहुत देर से ड्रामा कर रही हूँ, हालत देखिए, मतलब मैं सोचती हूँ दलिया खाने के लिए मुझे दलिया चाहिए, और देखो मैं क्या बन गई हूँ, तो ये सब ड्रामा करके दलिया खाता है, लो माँ फिर से बन जाए, लो ऐसे करता है बताइए। लेकिन कितनी चिंता है मेरे बेटे को, ब्लॉग में नहीं दिखाने दिया किसी को, आधे घंटे से मैं कर रही हूँ, नहीं दिखाने दिया, लो मैं फिर से बन जाए, देखिएगा कैसे खाता है, अभी नहीं खा रहा ना, आप देखिएगा खा क्या वरना माँ फिर से बन जाए, एक चम्मच खा के कह रहा है शुक्रिया धन्यवाद हटा दिया, आ जाओ एक चम्मच खा के वरना माँ फिर से बन जाएगी, हाँ खा लो, ये देखिए देख रहे लाइव है आपके सामने, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, ये देखिए निकाल रहा है, भैया कुछ बताओ क्या करूँ जिससे खाना खाने लगे, कुछ नहीं खाता, कुछ भी नहीं, ये देखिए निकाल के मेरे हाथ में, क्या कर रहा है, टैबलेट लेके घूम रहा है, खा नहीं रहा है, देखिए क्या कर रहा है, देख रहे हैं टैबलेट लेके कैसे घूम रहा है, खाता नहीं इनसे 6 महीने के थे तब थे, लेकिन तब भी नहीं खाते थे, देखिए टैबलेट में गेम दिखा रहा है, सारे बच्चे कुर्सी पे। तो गाइस कल मैंने वीडियो शूट किया था, और अभी ब्लॉग को मैं एडिट कर लेती हूँ, हाँ ठीक है आप पैंट नहीं पहने, आप पैंट पहन के आइए, तो मैं ब्लॉग को एडिट में लगा रही हूँ, और मेरे चेहरे पे आपको दिख रहा होगा वो कोल्ड एंड कफ की वजह से हालत बिगड़ गई, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रखा है, तो अभी मैं वीडियो को एडिट पे लगाती हूँ, और एडिट करके ब्लॉग मिलता है आपको आज दोपहर में किसी भी टाइम, मतलब टाइम क्या है 1:30 बजे मैंने ब्लॉग डाला था, डालती हूँ, बट कल मैंने शाम को डाला है थोड़ा देर से 6 बजे 7 बजे, तो आज भी उसी के हिसाब से ही आएगा। तो चलिए ब्लॉग को एडिट करती हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए,
ये इंस्टाग्राम आईडी मुझे जाके फॉलो कीजिए और आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।